नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य और हिंदी हिंदी बारे में व्याख्या लेखन की कुछ टिप्स के बारे में देख रहे हैं कि दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोय, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। तो पहले हमें ये मालूम करना है कि यह किस पाठ से, किस कवि से और उनकी कौन सी रचना से अवतरित किया गया है। तो हम प्रसंग की हेडिंग डालते हुए लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है हिंदी साहित्य की है या हिंदी अनिवार्य की जो भी है, बुक का नाम लिखकर मैं रहीम द्वारा, यहाँ पर रहीम द्वारा रचित है ये दोहा, तो रहीम द्वारा रचित रहीम का जो रचना है काव्यांश से अवतरित किया गया, जिसमें कवि ने इस दोहे की जो मूल भावना है या जो मूल संदेश व्यक्त करता है वह इसमें लिखना है। कि यहाँ पर रहीम दास जी ने कहा है कि जो व्यक्ति गरीबों की सहायता करता है तो वह गरीबों का एक प्रकार से मित्र हो जाता है। उसके बाद में ये इतना लिख लिया। उसके बाद में हम लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या की एडिंग लगा के कवि रहीम कहते हैं कि, यहाँ पर अगर रसखान का कोई दोहा होता या फिर रसखान का कोई पद्यांश होता तो हम ये लिखते कि कवि रसखान अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि, इस प्रकार से लिखते और भी उस दोहे का सारांश लिखते। उसके बाद में आते हैं हम विशेष के टॉपिक पर। विशेष में क्या लिखना है, तो विशेष में आप 7 से 8 लाइन आराम से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लगवा के निहित मूल भाव या संदेश, पहले पॉइंट में जो मूल भाव है या फिर मूल संदेश है वो आप लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट, काव्य का शीर्षक भाव अभिव्यक्ति की दृष्टि से सर्वथा उचित है। काव्य का शीर्षक भाव अभिव्यक्ति की दृष्टि से सर्वथा उचित है। और तीसरा पॉइंट, भाषा सरल सहज और प्रवाहमयी है। ये जो तीसरा पॉइंट है, ये जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा और दूसरा पॉइंट, ये दोनों कॉमन है, आप प्रत्येक व्याख्या में ये लिख सकते हैं। फिर चौथे पॉइंट पे आते हैं भाषा शैली। तो यहाँ पर कौन सी भाषा शैली का प्रयोग हुआ है, कि भाषा सरल है, यहाँ पर भाषा में कौन सी शैली का प्रयोग हुआ था, प्रश्नात्मक शैली है तो प्रश्नात्मक शैली भी लिख सकते हैं, अगर प्रश्न चिन्ह वाली शैली है तो आप प्रश्न चिन्ह वाली शैली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भाषा कौन सी है, खड़ी बोली हिंदी है तो आप खड़ी बोली हिंदी लिखकर इस प्रकार से तद्भव तद्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। पाँचवा पॉइंट, अलंकार का, या इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया हुआ है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। हम दोहे में देखते हैं, दिन सबन को लखत है दिन ही लके न कोय, जो रहीम दिन ही लके दिन बंधुसम होए। तो यहाँ पर द वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, ल वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 या 2 से अधिक वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। अगर आपको कोई अलंकार पता नहीं है तो आप अनुप्रास अलंकार लिख लीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है। छठा पॉइंट है चंद, इसमें कौन सा चंद है, तो इसमें साधारण सी बात है, 13-11 मात्राओं पर यति है तो इसमें दोहा चंद है। सातवां पॉइंट, रस, रस इसमें रस नहीं है, किन 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 पदों में रस होता है तो आप वह रस पहचान सकते हैं, तो रस का पॉइंट लगवाना, अन्यथा मत लगवाना। आठवां पॉइंट, गुण का, तो यहाँ पर जो यह कृति दी गई, जो पद्यांश दिया, इसे सुनने में एक प्रकार से कर्णप्रियता होती है, तो यह माधुर्य गुण का लक्षण है, तो यहाँ पर माधुर्य गुण है। इस प्रकार से आप 8 लाइन लिख सकते हैं। पहले आप प्रसंग लिखते, उसके बाद में फिर व्याख्या लिखिए और फिर उसके बाद में विशेष लिखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।